स्टेशन में दाखिल होने के बाद वोटर सीधा पोलिंग अफसर की मेज पर जाए और उसे अपना असल कौमी शिनाख्ती कार्ड दिखाए। पोलिंग अफसर आपका शिनाख्ती कार्ड चेक करेगा और ये तस्दीक करेगा कि आपका नाम वोटर लिस्ट में मौजूद है या नहीं। अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में मौजूद है तो पोलिंग अफसर आपका नाम और वोटर लिस्ट में आपका सीरियल नंबर बुलंद आवाज में पुकारेगा ताकि पोलिंग एजेंट्स सुन सकें और अपने पास वोटर लिस्टों में आपका नाम ढूंढ सकें। इसके बाद पोलिंग अफसर आपके दाएं अंगूठे पर अनमिट रोशनाई से निशान लगाएगा। इसके बाद वो कौमी और सूबाई असेंबली की दोनों वोटर लिस्टों में आपकी तस्वीर के सामने आपके अंगूठे का निशान लगवाएगा। याद रखिए कि वोटर लिस्टों में मर्द वोटर्स अपने बाएं अंगूठे और खवातीन वोटर्स अपने दाएं अंगूठे का निशान लगाएंगी। इसके बाद जब आप तसल्ली कर लें कि पोलिंग अफसर ने आपका नाम वोटर लिस्ट में से काट दिया है तो आप अगले मेज की जानिब बढ़ जाइए। अगली मेज पर मौजूद असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसर कौमी असेंबली के लिए बैलेट पेपर की काउंटर फॉइल पर आपके अंगूठे का निशान लगवाएगा। वो बैलेट पेपर की पुश्त पर मोहर लगाने और दस्तखत करने के बाद कौमी असेंबली के लिए सब्ज बैलेट पेपर आपके हवाले कर देगा। इसके बाद आप अगली मेज पर जाएं, जहां एक और असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसर सूबाई असेंबली के लिए बैलेट पेपर की काउंटर फॉइल पर फिर आपके अंगूठे का निशान लगवाएगा और बैलेट पेपर की पुश्त पर मोहर लगाएगा और दस्तखत करेगा और इसके बाद आपकी रहनुमाई करेगा। इसके बाद सूबाई असेंबली के लिए सफेद बैलेट पेपर और एक मोहर आपके हवाले कर देगा। इसके बाद आप वोटिंग स्क्रीन के पीछे जाएंगे और दोनों बैलेट पेपर्स पर बारी बारी अपने पसंद के उम्मीदवारों के नाम या इंतखाबी निशान पर मोहर लगाएंगे। बैलेट पेपर्स फोल्ड करने से पहले यकीन कर लें कि लगाई गई मोहर की रोशनाई सूख चुकी है। इसके बाद आप असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसर को मोहर वापस करके उससे अपना शिनाख्ती कार्ड वापस लेंगे।